हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड। अगर हम इन अकाउंटों को रिकॉर्ड करें तो कौन सी साइड इंक्रीज होगी, यानी कौन सी साइड इंक्रीज होगी, डेबिट होगी और क्रेडिट होगी, ये पूछा गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे होगा बेटा। तो हमारे से पूछा है कि कौन सी साइड इंक्रीज होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे को क्या दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी। तो हमें पता है प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज। और प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज होगी क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी क्या है, एक एसेट है। क्या है ये, एसेट। तो ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी, और ये क्या है, एसेट है। और जब इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, ठीक है। एसेट क्या होती है, डेबिट होती है। उसके बाद दूसरी दी है सेल्स। जब सेल्स इंक्रीज होगी, बोला है ना क्वेश्चन में कि भाई कौन सी साइड इंक्रीज होगी, तो बोला ना ऑन विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब दूसरी क्या है, सेल्स। जब सेल्स इंक्रीज होगी तो सेल्स क्या है, सेल्स इनकम होती है। सेल्स क्या होती है, इनकम या रेवेन्यू। और जब सेल्स इंक्रीज होती है, सेल्स क्या है, सेल्स इनकम है। ये इंक्रीज, जब सेल्स इंक्रीज होगी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये क्रेडिट हो जाएगी, तो क्रेडिट हो जाएगी। सारी साइडें इंक्रीज हो रही है। देखो प्लांट एंड मशीनरी इंक्रीज हो रही है, वो एक एसेट है, वो डेबिट होगी। सेल्स इंक्रीज होगी तो सेल्स क्या है, एक इनकम है, वो क्रेडिट होगी। उसके बाद रेंट, रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है। रेंट इंक्रीज होगा तो रेंट क्या है, एक एक्सपेंस है। और एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। उसके बाद परचेज, परचेज क्या है, परचेज एक एसेट है। परचेज क्या होती है, एक एसेट होती है। अब परचेज क्या होगी, डेबिट होगी। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है आपको पता ही है, ये एक लाइबिलिटी है। ये क्या है, एक लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है वो क्या होती है, वो हमेशा क्रेडिट होती है। उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है, एक लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। और इसका एक रूल भी है, अगर आप इसके एक रूल की बात करें तो इसका, ठीक है, मॉडर्न जो है इसका एक रूल है। मॉडर्न का रूल क्या कहता है, CLEAR, एक रूल है जिसे हम बोलते हैं क्लियर। और क्लियर के रूल में क्या कहते हैं, कैपिटल लाइबिलिटी और क्या, एक कैपिटल और एक लाइबिलिटी और एक रेवेन्यू, CLR। जब ये इंक्रीज होंगे तो बेटा एक क्रेडिट होंगे। और एसेट और एक्सपेंस जब इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट नहीं होंगे, ये डेबिट होंगे। तो एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो डेबिट हो जाएंगे, और कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू जिसे इनकम बोला गया है वो बढ़ेंगे तो क्रेडिट होंगे। आप इस रूल को भी लगा सकते हैं, जैसे ये हेड है, इनकी जगह कोई और हेड आए, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो एसेट है या वो लाइबिलिटी है या वो एक्सपेंस है या वो कैपिटल है या वो इनकम है। तो अगर कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू या इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे। इस रूल के हिसाब से हम इनको कर लेंगे। क्लियर हो गया, समझ आ गया क्वेश्चन। तो इसमें यही पूछा था कि विच साइड विल इंक्रीज इन द फॉलोइंग एसेट बी रिकॉर्ड। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें बोला है क्लासिफाई करना है फॉलोइंग इनटू द एसेट लाइबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो बोला है कि बताओ कौन सी कैपिटल है, कौन सी लाइबिलिटी है, कौन सी रेवेन्यू और एक्सपेंस है। चलिए हम इसे कर लेते हैं फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन है और वाला 23 का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि क्लासिफाई करना है एस की ये जो बैड डेप्ट है, पेटेंट है, क्रेडिटर है, डेटर है, लैंड है या बैंक लोन है, ये एसेट है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, इनके हेड चार्ट है। चलिए क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, बैड डेप्ट। तो बैड डेप्ट क्या है, बैड डेप्ट एक एक्सपेंस है। क्या है बैड डेप्ट, एक एक्सपेंस। तो ये क्या है भाई, ठीक है, ये एक्सपेंस है। क्लियर हो गया, बैड डेप्ट क्या है आपका, एक एक्सपेंस, समझ आ गया, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है पेटेंट, ये क्या लिखा है मैंने, पेटेंट। बैड डेप्ट क्या है, एक्सपेंस। उसके बाद दिया है पेटेंट, पेटेंट क्या है, एक एसेट्स है। क्या है ये, एसेट्स। तो पेटेंट हमारा क्या है, एसेट्स। क्लियर हो गया। थर्ड है आपके पास क्या, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है हमारा, क्रेडिटर है हमारी लाइबिलिटी। क्या है भाई, ये लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर क्या है हमारी, लाइबिलिटी।
उसके बाद फोर्थ है बैंक लोन। बैंक लोन भी हमारी एक लाइबिलिटी है। क्या है ये? बैंक लोन भी हमारी लाइबिलिटी है। क्या है भाई? लाइबिलिटी। नेक्स्ट है डेटर। डेटर क्या है? डेटर एक एसेट है, तो डेटर क्या है? एक एसेट। उसके बाद है लैंड। लैंड भी एक एसेट है, एक टेंजेबल एसेट है जो दिखाई देती है, तो लैंड भी क्या है? एक एसेट है। क्लियर हो गया? तो क्लासिफाई करना था, दोनों मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के एग्जाम में आने वाले, तो दोनों के मैंने आपको आंसर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओपन करना है आपको टीसेप अकाउंट ऑफ द फर्नीचर एंड पुट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द प्रॉपर साइट। चलिए करते हैं हम टीसेप अकाउंट। टीसेप अकाउंट बनाना है, तो टीसेप अकाउंट में बोला फर्नीचर परचेज कितने का है? फर्नीचर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 60,000 रुपीज का। तो हम जो फर्स्ट एंट्री करेंगे यहाँ पे, ऐसे बनाएंगे हम टीसेप अकाउंट। तो ये क्या है? टीसेप अकाउंट है। किसका टीसेप अकाउंट है? फर्नीचर अकाउंट। किसका है? फर्नीचर अकाउंट। अलग अलग अकाउंट होते हैं, क्रेडिटर अकाउंट भी हो सकता है, डेटर अकाउंट भी हो सकता है, और कैश अकाउंट भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, इस तरह प्लस करके ब्रैकेट में लिख दो, चाहे प्लस पार्टिकुलर रुपीज माइनस पार्टिकुलर, ठीक है? यानी इस सब में जो भी चीजें प्लस हो रही होंगी, बढ़ रहा होगा वो यहाँ आएगा, और जो घट रहा होगा वो आपका यहाँ आएगा। तो जो पहली एंट्री है उसमें लिखा है फर्नीचर परचेज 60,000, तो देखो आपका फर्नीचर 60,000 रुपये से बढ़ रहा है, तो फर्नीचर बढ़ रहा है ना, किससे? 60,000 से। तो एंट्री क्या बनेगी? अगर आप फर्नीचर आ रहे हो तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश की एंट्री है ना, या क्रेडिट की एंट्री है, फर्नीचर परचेज है, नाम नहीं लिखा तो कैश ही समझ लेंगे, ठीक है ना? तो एंट्री में क्या लिखेंगे? फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे एंट्री आएगी, क्या आएगी एंट्री यहाँ पे? कैश अकाउंट, ठीक है? तो यहाँ पे लिख देंगे आप टू कैश अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी चाहो, कितने रुपए से? 60,000 से। क्लियर होगी? क्योंकि कितने का फर्नीचर आ रहा है? 60,000 रुपये का आ रहा है पहली एंट्री। दूसरी में फिर फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट 40,000। अब की बार भी फर्नीचर परचेज करा, मगर अब क्या कैसे खरीदा है? अब क्या यार उधार में खरीदा है, मगर फर्नीचर तो बढ़ ही रहा है ना, दोनों में फर्नीचर आया है ना, गया तो नहीं। तो दूसरे में लिख दो टू, अब क्या क्रेडिट खरीदा है तो लिखो टू क्रेडिट। अगर कोई नाम दिया होता क्रेडिटर का तो क्रेडिटर का नाम लिख देते, टू क्रेडिट और ब्रैकेट में लिख दो फर्नीचर, ठीक है? क्या क्या आया तुम्हारे पे? फर्नीचर, तो चाहे से ब्रैकेट में फर्नीचर लिख देना, और यहाँ पे क्रेडिट कितने का फर्नीचर आया है भाई आपके पास? 40,000 का। तो आपका एक बार 60,000 से फर्नीचर बढ़ा, एक बार 40,000 से फर्नीचर बढ़ा। तीसरी एंट्री फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 15,000। अब यार फर्नीचर कम हुआ 15,000 रुपये से, तो फर्नीचर अब यार कम हुआ, तो यानी क्या हुआ? फर्नीचर कम हो गया, तुमने सोल्ड करा, और अब यार तुम पे कैश आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर कितने से? 15,000 से। तो यहाँ लिख देंगे अब यार बाई कैश या कैश, आप इसमें बाई लिख भी सकते हैं, टू लिख भी सकते हैं, और ना भी लिखें, मर्जी है। भाई कैश अकाउंट लिख दो, और भाई कितने से आया? 15,000 का, क्योंकि 15,000 का फर्नीचर आपने कम कर दिया, बेच दिया, ठीक है? नेक्स्ट एंट्री फोर्थ, फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब आपने 9,000 का फर्नीचर और बेच दिया, मगर अब की बार उधार में बेचा, मगर फर्नीचर तो आपका गया ही ना, तो अब की बार वापस से लिख दो बाई क्रेडिटर। और यहां पर क्योंकि जब उधार में बेचा है तो उधार लिखोगे, यहाँ पे ऐसी नोट के लिए लिख सकते हो फर्नीचर कितने का बेचा है? 9,000 का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 7,000। आपके फर्नीचर की वैल्यू 7,000 रुपये कम हो गई। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? फर्नीचर जितने का था उसमें 7,000 रुपये और कम कर लो, तो यहाँ पे लिख दो थर्ड एंट्री कम हुआ है ना फर्नीचर यहाँ पे, तो वहां पे लिख दो बाई डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे? बाई डेप्रिसिएशन। क्लियर है यहाँ तक? अब डेप्रिसिएशन कितने का हुआ बेटा आपका? डेप्रिसिएशन हुआ है आपका, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख देना यहाँ पे भी, जैसे क्रेडिटर अकाउंट है, तो डेप्रिसिएशन कितने का हुआ आपका? क्वेश्चन में दे रखा है, देख लो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है आपके क्वेश्चन में 7,000 का, तो यहाँ लिख दो 7,000। क्लियर हो गया? अब टोटल कर देंगे, पहले इसका टोटल करेंगे 60,000 प्लस 40,000, टोटल कितना आ गया? 1,00,000। कितना आ गया भाई? 1,00,000। इसको भी टोटल करो, यहाँ पे सेम अमाउंट लिखो 1,00,000। क्लियर है? अब आपको पता है इसका अमाउंट तो कम है, इसका अमाउंट ज्यादा है, तो इसका अमाउंट कितना है? 15 और 9 24, 24 और 6 कितना होता है भाई? 24 और 6 31, और यहाँ पे टोटल कितना है? 1,00,000। तो आप 1,00,000 से क्या करोगे? 1,00,000 से 31,000 को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो 1,00,000 से 31,000 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पे कितना अमाउंट आएगा? हम पे अमाउंट आ जाएगा 69,000।
थाउजेंड, तो 69,000 का बैलेंस इस तरफ लिख देंगे, क्या लिखेंगे बैलेंस सीडी कितने का भाई 69,000 का, क्लियर हो गया बस। तो आपका टी सेट अकाउंट बन जाएगा, क्लियर है इतनी बार, इसको बॉक्स में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप टी सेट अकाउंट बनाएंगे, ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेयर करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, आपको कुछ ट्रांजेक्शन दी है उनके हिसाब से अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट इक्वेशन है नारायण स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज 78,000 एंड गुड्स 30,000, दूसरी में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 45,000, थर्ड जो आपकी इक्वेशन में लिखा है सोल्ड 1/3 ऑफ गुड्स एट 20% प्रॉफिट फॉर कैश, आपने गुड्स सोल्ड कराया 20% प्रॉफिट में कैश पर, फोर्थ में कमीशन पेड इन एडवांस 4,000। चलिए देखते हैं कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है नारायण स्टार्ट बिजनेस विद कैश रुपीज 78,000 एंड गुड्स 30,000। तो देखो कैसे होगा, पहले हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे जो फर्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें हम लिख देंगे स्टार्ट बिजनेस, कैसे स्टार्ट करा है विद कैश, थोड़ा तो कैश लगाया उसने और गुड्स परचेज किया है, और क्या परचेज किया है भाई गुड्स, तो ठीक है दोनों ही एसेट है, तो कैश कितने का करा है 78,000 का और गुड्स कितने का परचेज करा है 30,000 का, क्लियर है ठीक है। अब इन दोनों जो है क्या कैश भी और गुड्स भी, ये तो क्या है कैश है और ये क्या है गुड्स, और दोनों ही क्या होती हैं कैपिटल होती हैं, ये तो पता है ना, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 78 + 30 कितनी हो गई 1,08,000, क्लियर है, तो 1,08,000 रुपीज की कैपिटल हो गई और लाइबिलिटी कितनी हो गई 0, पहली एंट्री क्लियर हो गई। दूसरी एंट्री देखो क्या है बेटा, दूसरी एंट्री में क्या दिया है, दूसरी में क्या है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 45,000, अब की बार गुड्स परचेज कराया कितने का 45,000 का, कितने का गुड्स परचेज कराया 45,000 का, तो सेकेंड एंट्री में क्या लगेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ठीक है, अब गुड्स परचेज कराया ना चाहे क्रेडिट में कराया, तो गुड्स क्या होते हैं गुड्स तो एसेट है, कितने का करा है 45,000 का, तो गुड्स के नीचे गुड्स ये क्या है ये गुड्स है ना, तो गुड्स के नीचे गुड्स, तो 45,000 के तो गुड्स आ गए और 45,000 की क्या आ गई लाइबिलिटी आ गई, तो 45,000 की क्या आ गई भाई लाइबिलिटी आ गई। देखो दोनों अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है अभी, कोई भी चेंज नहीं है, क्लियर है। थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे, थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या बोला है, थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन है बेटा सोल्ड 1/3 ऑफ गुड्स एट 20% ऑफ प्रॉफिट फॉर कैश, 1/3 गुड्स जो है 20% प्रॉफिट फॉर कैश में सेल करें, तो थर्ड एंट्री देखेंगे, थर्ड एंट्री में लिखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितने में बेचे हैं ठीक है, कितने के गुड्स बेचे हैं 20% प्रॉफिट में बेचे हैं सोल्ड गुड्स और 1/3 गुड्स बेचे हैं, तो टोटल हमारे पास पहले गुड्स कितने हैं ये देखो, तो जो हमारे पास गुड्स हैं वो है बेटा भाई हमारे पास जो गुड्स हैं वो है क्वेश्चन में बोला है सोल्ड 1/3 ऑफ गुड्स एट 20% ऑफ प्रॉफिट फॉर कैश, तो 1/3 गुड्स सेल कर रहे हैं जिससे हमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। देखो बेटा से कैलकुलेट करेंगे इसको, हमारे पास जो गुड्स हैं टोटल कितने के हैं, हमारे पास गुड्स देखो हमारे पास गुड्स हैं 30,000 प्लस 45,000, तो टोटल गुड्स हैं हमारे पास 30,000 प्लस 45,000, टोटल गुड्स कितने के हो गए हमारे पास, हमारे पास हो गए 75,000 के गुड्स, कितने के हो गए 75,000 के गुड्स, इसमें से हमने 1/3 गुड्स सेल कर दिए, तो हमने कितने के गुड्स सेल करे 25,000 रुपए के गुड्स सेल करे, गुड्स कितने के कम होंगे भाई 25,000 रुपए के हमारे गुड्स कम हो जाएंगे, तो माइनस कर देंगे 25,000 पर हमारे को क्वेश्चन बोला है कि जो 25,000 के गुड्स आपने सेल करे है ना, क्या बोला है हमें जो हमें बोला है क्वेश्चन में बोला है हमारी एंट्री में हमें क्या बोला है, इनसे पूछा है सोल्ड करें 1/3 ऑफ गुड्स 20% ऑफ प्रॉफिट फॉर कैश, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो मैंने आपको बताया 30,000 के गुड्स और 40,000 टोटल गुड्स हमारे पास बेटा कितने के हैं, तो जो टोटल हमारे पास गुड्स है उनकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो टोटल गुड्स है वो हमारे पास 75,000 के, जिससे 1/3 गुड्स क्या करेंगे हमने सेल कर दिए, तो यानी हमने 25,000 के गुड्स सेल कर दिए,
फर्म इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 20% प्रॉफिट हुआ है, तो 25,000 पे 20% निकालो, तो जब आप 20% निकालो तो यानी हमारे को 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, यानी गुड्स तो हमने बेचे 25,000 के और पैसे हमें मिले कितने 30,000, तो हम 30,000 यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमारे पास 30,000 का कैश आ गया और 25,000 के क्या हो गए हमारे गुड्स कम हो गए, क्लियर है। तो 25,000 के हमारे गुड्स कम हुए और 30,000 हमारे पास कैश आ गया, तो जो हमें फायदा हुआ यहाँ पे कितने का हुआ 5,000 का, जो फायदा होता है उसे हम कहाँ जोड़ते हैं, उसे हम कैपिटल में जोड़ते हैं, तो 5,000 हमने कैपिटल में जोड़ दिया, क्लियर हो गई थर्ड इक्वेशन, क्लियर हो गई। अगर थर्ड इक्वेशन क्लियर करने के बाद हम इसका टोटल देखें तो क्या बनता है, तो टोटल से भी आप देख लेंगे 78,000, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है 30,000, तो 78 और 30 108,000 रुपए, तो ये हो गया आपका कितना हो गया 108,000 रुपए, तो आपके पास ये टोटल आ गया, 75 में से 25 चला गया तो आपके पास जो गुड्स बचा वो कितने का बचा, वो बचा 50,000 का, उसके अलावा 108,000 में जब आप 5,000 रुपए को जोड़ेंगे तो 113,000 रुपए आपके पास कैपिटल आ गई और आपके पास जो लाइबिलिटी है वो कितने की है 45,000 की है, तो आपका जो है दोनों साइड क्या हो रही है बैलेंस हो रही है। अब हम फोर्थ इक्वेशन करेंगे, फोर्थ इक्वेशन में क्या पूछा है, फोर्थ इक्वेशन देखो बेटा क्या दिया है, तो फोर्थ इक्वेशन हमारे को दिया है, फोर्थ इक्वेशन देख लेते हैं, तो फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारे पास, फोर्थ इक्वेशन है गिवन, तो फोर्थ इक्वेशन ये देख लेते हैं, कमीशन पेड इन एडवांस 4,000, और हमने 4,000 की क्या करी है एडवांस में कमीशन भी पे करी है, तो 4,000 की हमारी जो है कमीशन एडवांस में पे होगी, ठीक है बेटा। तो हम 4,000 रुपीज क्या करेंगे लिख देंगे यहाँ पे कमीशन, क्या लिखेंगे कमीशन पे इन एडवांस, हमने एडवांस में क्या करा कमीशन दे दी, तो 4,000 रुपए तुम्हारा कैश कम हो जाएगा जब हम एडवांस देंगे, और 4,000 रुपए का ही हमारे को क्या है एडवांस में पे करा है, तो ये हमारे एसेट भी होते हैं, लिख देंगे एडवांस और 4,000 रुपए यहाँ पे प्लस कर देंगे, याद रखना कमीशन को डेबिट साइड में करते हैं और फिर इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 108,000 में से 4,000 जाएंगे तो 104,000 रुपए ये हो गया आपका, प्लस 50,000 ये हो गया, प्लस 4,000 इधर आ गया, इस तरफ क्या आ गया 113,000 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 45,000 आ गया। अब इसको जोड़ के देखेंगे कि आपकी एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड क्या इक्वल आ रही है या नहीं आ रही, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका बैलेंस सही है या गलत है। चलिए इसे कर लेते हैं फटाफट से, हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो बैलेंस है किस तरफ का क्या आ रहा है, तो जोड़ते हैं 104,000 प्लस 50,000 प्लस 4,000 क्या आ गया बेटा, इस तरफ इधर आ गया 158,000 158,000 रुपीज आ गया। अब हम लाइबिलिटी साइड जोड़ेंगे, लाइबिलिटी साइड क्या है 113,000 प्लस 45,000 प्लस 45,000 इस तरफ भी क्या आ गया 158,000, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हम चेक कर सकते हैं, तो दोनों तरफ हमारी एसेट और लाइबिलिटी क्या आ रही है इक्वल आ रही है, क्लियर बेटा। यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर है, समझ आ गए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकाउंट्स के, इनको कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी, सारे लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, वीडियोज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप अकाउंट्स के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कराए गए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब।